नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। हौसले बुलंद हो तो शारीरिक चुनौतियां भी मंजिल की राह में बाधा नहीं बनती, ये बात साबित की है इंदौर के अंकुर शर्मा ने। अंकुर अब तक 8 शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं। अब उन्होंने पिछले 2 वर्षों से कोमा में जीवन के लिए संघर्ष कर रही प्रोफेसर रिया और उनके परिवार की मदद के लिए शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का टीजर जारी हो चुका है, जल्द ही फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह युवक दिव्यांग है, रोजमर्रा के काम के लिए उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अंकुर के हौसले कम नहीं हुए हैं। फिल्म निर्माण में रुचि रखने वाले अंकुर शर्मा अब तक 8 शॉर्ट फिल्म, 2 म्यूजिक एल्बम और 2 वेब सीरीज का निर्माण कर चुके हैं। अब अंकुर अपनी प्रोफेसर रही रिया व उनके परिजन की मदद के लिए शॉर्ट फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इस फिल्म का टीजर तैयार हो गया है, जल्दी फिल्म भी पूरी कर ली जाएगी। अंकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में एक्रोपोलिस कॉलेज के 3 प्रोफेसर दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसमें 2 प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रोफेसर रिया जिन्होंने अंकुर को पढ़ाया था वो आज भी कोमा में है, जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। दुर्घटना के बाद परिवार ने क्या कष्ट झेला, परिवार पर आर्थिक संकट से परेशानियां बढ़ी, इन्हें लेकर अंकुर शॉर्ट फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अंकुर दिव्यांग है, इसके बाद भी वो फिल्म मेकिंग पर अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। जब उनसे चर्चा की गई तो उनका कहना था कि परेशानी काफी होती है, लेकिन ये शब्द मुझे प्रेरित करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। प्रोफेसर रिया पर बनी ये फिल्म उनके परिवार के लिए कितनी सहायक बनेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपने बनाई है अभी हमने 2019 में एक्सीडेंट हुआ था 3 प्रोफेसर का एक्रोपोलिस के, तो उसके अंदर से दो प्रोफेसर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। बाकी जो बच गए थे उन्होंने हमको पढ़ाया है, वो हमारे टीचर रह चुके हैं और उनकी सिस्टर है वो मैडम, और ये आंटी उनकी मम्मी है जी। तो उनके ऊपर हमने स्टोरी बनाई लिखी है मैंने और मेरे फ्रेंड ने। तो हमारा मोटिव यही है कि आपके थ्रू और हमारे थ्रू उनको उनकी फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, जो एनजीओ चलाते हैं वो न्यूज़ देख के सामने आए और थोड़ी उनकी मदद कर सके। कितनी देर की मूवी और क्या दिखाने का प्रयास किया आपने? हमने यही दिखाने का प्रयास किया है कि उनकी फैमिली ने कितना इन पिछले 3 सालों में क्या क्या फेस किया है और कैसे क्या अरेंजमेंट किया है उन्होंने सब चीज़ का जी। और इससे पहले भी कोई मूवी बनाई है? इसके पहले मैं 8 शॉर्ट फिल्म बना चुका हूँ और एक म्यूजिक वीडियो और एक वेब सीरीज 2 एपिसोड की। क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्योंकि आपके पास भी फिजिकल एबिलिटी का प्रॉब्लम है? बस चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। मैं फिलहाल तो मुंबई में रह रहा हूँ अभी 3 साल से, ये छूट के कारण मैं इंदौर आया हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ मुझे फिर से मुंबई निकलना है। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, मतलब डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पर मुझे ज़्यादातर के जी। मतलब इंदौर में तो मैं अकेला ट्रेवल कर लेता हूँ, बाकी मुंबई में ट्रेवल नहीं कर पाता हूँ मैं अकेला। अच्छा, पर चैलेंजेस तो ये तो है ही, साथ में आपने कहा कि डिपेंड रहना पड़ता, तब आप इनकी मदद करके क्या वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम जो है वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो ज़्यादा उन समाज के उस वर्ग को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी? मैं ऐसे ही कामों पे, मैं ऐसे ही मुद्दों पे काम करना पसंद करता हूँ जिस समाज का भला हो सके, कि वो कहा सुना हुआ इंसान इंसान के काम आता है। तो यही वक्त है कि हम कुछ कर दिखाएं उनके लिए जो पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं और वो सिर्फ रुकी है, उन्होंने हार नहीं मानी अभी। अच्छा, आपको किस तरह की समस्याएं रहती है? मतलब मुझे बहुत सारी समस्या होती है, तो पूरा अरेंजमेंट मेरे को करना पड़ता है, अभी भी सारा अरेंजमेंट मैंने किया है अकेले में। मैं आपकी शारीरिक समस्याओं की, शारीरिक समस्या तब पहले तो मेरे दोनों पैर खुलते थे, बाकी 2015 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, बोन डिसलोकेट हो गई थी, उसके बाद मेरा पैर खुलना बंद हो गया है, तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। बैठने में प्रॉब्लम आ रही है और कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है, हालांकि मेरी मम्मी मेरा सब करते हैं, इंदौर में रहता हूँ तक तो, ताकि मुंबई में को अकेले करना पड़ता है सब चीज़। फिर भी आप हार नहीं मानते? नहीं। क्यों? वो मेरे को इंस्पिरेशन इनसे मिलती है, भगत सिंह से। उन्होंने उनका एक स्लोगन है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों कांधे पर तो जना जो उठाए जाते हैं। आपका पूरा नाम? अंकुर शर्मा। घटना के बाद से क्या सीखी है और अब अंकुश जो है वो? अंकुर बिहार उच्च दी के स्टूडेंट थे,
रुचि दी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट GDPI की ट्रेनर थी, तो एग्रोपोलिस कॉलेज में वो प्रोफेसर थी। तो उस टाइम पे जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी में कन्वर्ट हुई, बहुत सारे सिचुएशंस जो हम हैंडल नहीं कर सकते वैसे वैसे सिचुएशंस भी आए सामने, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इनका उद्देश्य एक तरीके से था कि रुचि मैम के लिए एक इनका जो प्यार है कि रुचि मैम से जो इनके स्टूडेंट्स कितना लगाव रखते थे, उनमें से अंकुर बिया हैं, एक पलक नेमा है जिनने इस फिल्म में राइटिंग का भी काम किया है, तो इस तरीक़ों से धीरे धीरे करके तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। बट फिर भी वही फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है, तो एक उद्देश्य इनका ये भी है कि फाइनेंशियली थोड़ी सी एक वो हो सके, होप्स लूज नहीं करते हम लोग। तो टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।